अगर आप एफर्ट मार्केटिंग और सीपी मार्केटिंग के लिए फ्री के ट्रैफिक को फाइंड कर रहे हो तो आप बिल्कुल राइट वीडियो के ऊपर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फ्री के ट्रैफिक सोर्सेस शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने एफर्ट लिंक्स या फिर सीपी ऑफर्स को इजिली प्रमोट कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर हम इन ट्रैफिक सोर्सेस के स्टैट्स की बात करें तो इन ट्रैफिक सोर्सेज के माध्यम से आपको मंथली 3 लाख तक का ट्रैफिक मिलता है। वह मैक्सिमम ट्रैफिक मिलता है आपको टायर वन कंट्री से, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम से। तो दोस्तों, अगर आपको इन फ्री के ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, मीन्स कैसे इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वह कैसे यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक शेयर करना है, अगर सारा प्रोसेस अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। आज की हमारी पहली वेबसाइट का नाम है fuzer.com, काफी अमेजिंग वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप वोमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इजीली प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम ऑडियंस वोमेन्स है। मींस अगर आप यहाँ पर वेट लॉस हो गया, फैशन हो गया, फुटवेयर हो गया, ब्यूटी हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब इस वेबसाइट के हम स्टैट्स की बात करते हैं, मीन्स इस वेबसाइट से आपको मंथली कितना ट्रैफिक मिल सकता है। तो गाइस, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मंथली 80 से लेकर 85,000 तक का ट्रैफिक मिलता है। वह मैक्सिमम ट्रैफिक मिलता है आपको टायर वन कंट्री से आपको 25% तक का ट्रैफिक मिल जाएगा। अब इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको साइनअप या लॉग इन इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू पेज आता है, जहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, देन साइनअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है, जहां पर आपको नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अगेन डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना इंटरेस्ट डालना है और कुछ इन्फॉर्मेशन और डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, देन उसके बाद आपके पास एक ईमेल आता है, जहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कहा जाता है। सिंपली आपको एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होता है, देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब इसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है इमेज का, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो का और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट का। मीन्स आप इन 3 तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि पहला तरीका हमें मिल रहा है इमेज का, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यू कैन सी आपके सामने यह वाला इंटरफेस आता है। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कैटेगरी का, सिंपली आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लो हम वेट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी, सिंपली आपको उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टाइटल को लिखना है, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर अपना टाइटल बनाना है। पर यहाँ पर आपको अपना कैप्शन बनाना है, मींस आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत लाइन लिखनी है। आप यहाँ पर 200 से लेकर 300 वर्ड तक की लाइन को लिख सकते हो और यहीं पर ही आपको अपना एफर्ट लिंक भी लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है और थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि ये कंटेंट आपका है या फिर आपने कहीं से कॉपी एंड पेस्ट किया है, तो सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पोस्ट का, सिंपली आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाती है और यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलता है, जिससे आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, ये था पहला तरीका। बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगेन इसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं और दूसरे तरीके के अंदर आप वीडियोस को अपलोड करके यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हो। तो इसको आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सिंपली आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और सेम जैसे कि आपने इमेज के अंदर वर्क किया था, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी वर्क करना है। पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने टाइटल को बनाना है, यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बनाना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। और वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के अंदर या फिर आपको इंस्टाग्राम के अंदर, वहां से आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना और उन वीडियोस को आप यहाँ पर अपलोड कर देना। देन अगेन आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है, उसके ऊपर भी ट्रैफिक आता है और आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो गाइस, तीसरा तरीका आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट का। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट से आप कैसे एफर्ट मार्केटिंग कर सकते हैं उसका तरीका हम आपको बताते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो सेम वैसे ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर अगेन यहाँ पर आपको अपना टाइटल लिखना है, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना है कि आपका पोस्ट किससे रिलेटेड है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट लिख देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कंटेंट लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा, और कैसे एफर्ट लगाना वो भी तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और अगेन इसके ऊपर आते हैं और यह कंटेंट को पेस्ट करते हैं। मान लो आपको यहाँ पर अपना एफर्ट लगाना है, तो सिंपली आपको जिस भी एंकर टेक्स्ट जहां पर भी आप अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहीं पर ही अपना एफर्ट लिंक लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिलता है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे आप एफर्ट लिंक पेस्ट करेंगे तो आपका लिंक यहाँ पर लग जाएगा। अगेन आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको अगेन पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पोस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाती है और वो इनके इंटरफेस के ऊपर जाती है, वहां से आपको ट्रैफिक मिलता है और डेफिनेटली वहां से आपके लिंक्स के ऊपर भी क्लिक मिलते हैं और वहां से आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी ट्रैफिक जाता है और वहां से आपकी सेल्स होनी स्टार्ट हो जाती है। के हमारे दूसरे ट्रैफिक सोर्स का नाम है सुपर आर्टिकल्स, और इस वेबसाइट के ऊपर आप अपने आर्टिकल्स को शेयर करके बहुत सारा ट्रैफिक अपने एफर्ट लिंक्स के ऊपर ला सकते हो। अब इसके ऊपर आपको वर्क कैसे करना है और यहाँ से आपको मंथली कितना ट्रैफिक मिलता है, पहले मैं आपको वह बताता हूँ। तो गाइस इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मंथली 1 लाख तक का ट्रैफिक मिलता है। वह मैक्सिमम ट्रैफिक मिलता है आपको यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि 25% के अराउंड है। अब इसके ऊपर आपको वर्क कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू फॉर्म आता है जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को वेरीफाई करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक दे देना है, नहीं तो यहाँ पर आप किसी भी सोशल मीडिया के लिंक को भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपनी बायोग्राफी लिखनी है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है, फोटो नहीं तो आप यहाँ पर किसी प्रकार के इमेज को लगा सकते हो। देन उसके बाद आपको आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है जहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कहा जाता है। सिंपली आपको अकाउंट एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा, देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, एंड यू कैन सी आपके सामने इतने सारे नीशेज हैं जिसके अनुसार आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, आप यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, गेमिंग हो गया, हॉबी हो गया, होम एंड फैसिलिटी हो गया, होम इंप्रूवमेंट, इंटरनेट, लॉ, बहुत सारे नीशेज मिल रही है जिसके अनुसार आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो और इनके प्रोडक्ट्स को आप इजिली यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। ओके, अब इसके ऊपर आपको वर्क कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर वर्क करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है जहां पर सिंपली आपको अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कैटेगरी का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अनुसार आप अपने आर्टिकल को बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस के आर्टिकल को बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हेल्थ एंड फिटनेस को फाइंड करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर हमें हेल्थ एंड फिटनेस मिल जाता है, गेमिंग और ये हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, यहाँ पर आपको इतनी सारी नीशेज मिल रही है, सिंपली किसी भी एक नीश को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं वेट लॉस के नीश को चूज करता हूँ, थोड़ा संचय चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वेट लॉस की नीच कहाँ पर है। तो यू कैन सी यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, बहुत सारे नीचे हैं यहाँ पर, तो सिंपली हमें यहाँ पर वेट लॉस की नीच को चूज करना है। जैसे कि ये रहा वेट लॉस, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है वेट लॉस। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेट लॉस से रिलेटेड आर्टिकल को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल का टाइटल पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल बना रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके सिंपली मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर मेरे टाइटल बन चुका है। समरी के अंदर अगेन आप टाइटल पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पर यह बता सकते हो कि आपका आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको 100 से लेकर 150 वर्ड का एक समरी बना देंगे। ओके, यहां मैंने एग्जांपल के तौर पर टाइटल को ही पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद यहां पर आपको आर्टिकल की बॉडी मिलती है, तो सिंपली यहां पर आपको 500 से लेकर 700 वर्ड का एक आर्टिकल बनाना है। यहां पर मेरे पास ओनली 300 वर्ड का आर्टिकल है, मैं इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। परंतु आपको यहाँ पर 500 से लेकर 700 वर्ड का आर्टिकल बनाना है अगर आप अपने आर्टिकल को इस वेबसाइट के अंदर रैंक करवाना चाहते हो, तो उस केस में 500 से लेकर 700 वर्ड का आपको आर्टिकल बनाना है और आर्टिकल आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। कॉपी एंड पेस्ट का आर्टिकल यहाँ पर यूज करोगे तो आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं करेगा और यहाँ से आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। ओके, इतना काम करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपना एफर्ट लिंक लगाना है। तो एफर्ट लिंक लगाने के लिए सिंपली आपको एक एंकर टेक्स्ट को कॉपी करना है, जैसे मैंने वेट लॉस को कॉपी कर लिया। देन यहाँ पर आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिंक लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना एफर्ट लिंक लगाना है, देन उसके बाद इंसर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एफर्ट लिंक लग जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है,
एंड यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगाना तो सिग्नेचर लगा सकते हो, नहीं लगाना तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। देन आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड अगेन नीचे थोड़ा जाना है, यहाँ पर आपको आई कन्फर्म इस पर क्लिक करना है, फिर सबमिट आर्टिकल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका 2 से 3 दिनों के अंदर आर्टिकल यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर ट्रैफिक आता है और डेफिनेटली वहां से ट्रैफिक आपके एफर्ट लिंक के ऊपर भी आएगा और वहां से आपको सेल्स मिलने स्टार्ट हो जाएगी। सो आज के हमारे तीसरे फ्री ट्रैफिक सोर्स का नाम है interleads.net। काफी अमेजिंग वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी एड्स को फ्री में पोस्ट कर सकते हो। अगर मैं इस ट्रैफिक सोर्स के स्टैट्स की बात करें तो इस ट्रैफिक सोर्स के माध्यम से आपको मंथली 1 लाख तक का ट्रैफिक मिलता है, पर मैक्सिमम ट्रैफिक आपको यूनाइटेड स्टेट्स से ही मिलता है। अब इसके ऊपर आपको वर्क कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है जहां पर आपको अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने नेम को डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड डालना है, रीटाइप करना है पासवर्ड को, फिर ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, यूजर नेम डालना है, फिर आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है जहां पर आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, सिंपली वहां पर आपको अपनी आईडी को कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप अपनी यहां पर आईडी को कंफर्म करते हैं तो आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट होगा देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इसके ऊपर आप अपनी एड्स को फ्री में कैसे पोस्ट कर सकते हो उसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो गाइस एड्स को पोस्ट करने के लिए सिंपली आपको पब्लिश योर एड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है जिसके अंदर आप अपनी एड्स को सिंपली पोस्ट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है कैटेगरी का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहां पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करने का आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी को चूज कर लेना जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो। जैसे मैं हेल्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ तो उस केस में मैंने यहाँ पर हेल्थ का जो सब निश था उसको मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइटल बनाना है। एंड गाइस मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब तक आपका टाइटल अट्रैक्टिव नहीं होगा तब तक आपको क्लिक्स मिलेंगे नहीं और जब तक आपको क्लिक्स मिलेंगे नहीं तब तक आपकी सेल्स यहाँ पर नहीं आएगी। तो सिंपली आपको अपना एक टाइटल बनाना है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टाइटल बना रखा है, मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अपने टाइटल को बना लिया। पर यहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन लगाना है एंड गाइस डिस्क्रिप्शन आपका काफी अच्छा होना चाहिए, काफी ज्यादा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि बंदा उसको पढ़े तो उसको लगे कि उसकी प्रॉब्लम इस वाले प्रोडक्ट के माध्यम से सोल्व होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन बना रखा है, सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एडुकेशनल पर्पस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बना लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अपना टाइटल भी बना लिया और यहाँ पर हमने अपना डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है। जैसे कि मान लो आप वेट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो वेट लॉस से रिलेटेड आपको इमेज को अपलोड करना है। अगर आप डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो डॉग से रिलेटेड इमेज को प्रमोट करना है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर इमेज को अपलोड करना है। तो जैसे भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इमेज को डाउनलोड कर लेना है और उस इमेज को आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। इतना काम आपने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस को सेलेक्ट करना है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, मान लो आप कीटो डाइट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और कीटो डाइट के प्रोडक्ट का दाम है $11, तो सिंपली आपको यहाँ पर $11 लगाना है ताकि बंदा जिसके सामने ऐड जाए उसको पता लग जाए कि इस अगर वो इस प्रोडक्ट को यहाँ पर परचेज करना चाहता है तो उसका दाम यहाँ पर $11 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्राइस लगाना है। जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस हो उस प्राइस को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है ताकि आपके कस्टमर को पता रहे अगर वो इस प्रोडक्ट को यहाँ पर परचेज करेगा तो उसको इतने डॉलर यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन आपको यहाँ पर वह सेलेक्ट करना है जहां पर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी को सेलेक्ट करना है जिस पर्टिकुलर सिटी को आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लूंगा और सिटी के अंदर मैं लास वेगास हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जिस भी सिटी को आप प्रमोट करना चाहते हो उस सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्लीज विजिट और वेबसाइट। सिंपली यहाँ पर आपको अपने लैंडिंग पेज का या फिर यहाँ पर आप अपना एफर्ट लिंक भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एफर्ट लिंक लगा देना है या फिर यहाँ पर आपको अपने लैंडिंग पेज का लिंक लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड डालने हैं ताकि जो आपकी एड्स है इसी के अनुसार ही ऑप्टिमाइज हो। जब भी कोई बंदा यहाँ पर उस कीवर्ड को टाइप करे तो आपकी एड उसको नजर आनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप वेट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पर कीवर्ड डाल देना है वेट लॉस।
इसका मतलब क्या होगा, कोई भी बंदा मान लो इस वाली वेबसाइट के ऊपर वेट लॉस को सर्च करेगा तो आपकी एड उसके सामने चली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड डालने, और कीवर्ड कम से कम आपको यहाँ पर 5 से 6 को डालना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाकर आपको यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन जरा होगा, सिंपली आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। जैसा पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी एड्स यहाँ पर पोस्ट हो जाती है, आपकी एड्स यहाँ पर 7 से लेकर 8 दिनों तक पोस्ट रहती है, उसके ऊपर ट्रैफिक आता है, और वहां से आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर ट्रैफिक आता है, और वहां से आपके सेल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप इस वेबसाइट के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ 3 फ्री की वेबसाइट शेयर की है, जिसके ऊपर आप अपने एफर्ट ऑफर्स को या फिर यहाँ पर आप अपने सीपी ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हैं, और बहुत सारा ट्रैफिक अपने एफर्ट लिंक्स के ऊपर ला सकते हैं। आई होप आपको यह वेबसाइट पसंद आई होगी। अगर आपको यह वेबसाइट पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, व इसको लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।